IPL 2023 के लिए KKR ने नए कप्तान का किया ऐलान। इस खिलाड़ी बने KKR का कप्तान। दोस्तों, कौन बने KKR का नया कप्तान, ये जानने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूले। IPL 2023 सीजन 16-17 में KKR के नियमित कप्तान श्रेयस अय्यर चोटिल होने की वजह से KKR की टीम मैनेजमेंट और कोच ने नीतीश राणा को कप्तानी सौंपने का ऐलान किया। श्रेयस अय्यर की पीठ की चोट की वजह से इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं, इसलिए श्रेयस अय्यर की अनुपस्थिति में नीतीश राणा KKR टीम की अगुवाई करेंगे। KKR टीम की टीम मैनेजमेंट कोच ने भरोसा जताया है इस खिलाड़ी के ऊपर। नीतीश राणा ने इससे पहले शहीद मुश्ताक अली ट्रॉफी में दिल्ली के लिए 12 मैच में कप्तानी कर चुके हैं। इस 12 मैच में कप्तानी करते हुए नीतीश राणा ने दिल्ली टीम को 8 मैच जिताए और 4 मैच हारे। 29 वर्षीय मध्यक्रम के ये बल्लेबाज 2018 सीजन से ही KKR टीम के साथ जुड़े हुए हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, नीतीश राणा KKR टीम के लिए अच्छा कप्तान साबित होंगे या नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। क्या नीतीश राणा इस बार KKR को चैंपियन बना पाएंगे, अपने अपने राय जरूर देना। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूले।